अभी हम जा रहे हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय। ये है टिकट काउंटर, इसकी क्या प्राइसिंग है क्या है मैं आपको दिखा दूंगा। तो हमने ले ली इस प्रधानमंत्री संग्रहालय में एंट्री। टिकट की प्राइसिंग पर ही हमें 100 रुपीज़ पर पर्सन। अगर आप वीकडेज में आएंगे 50 रुपीज़ होगा। अब हमारा ऑफिस वीकेंड में बंद रहता है तो ऑब्वियसली हम वीकेंड में आएंगे। और बाकी जो अलग अलग एड ऑन्स है उसका मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा और बता भी दूंगा क्या क्या है। तो चलिए इस ब्यूटीफुल से म्यूजियम में संग्रहालय में जाके दिखाता हूँ हमें क्या क्या है। जिस दिन भीड़ आएगी उस दिन भी ज्यादा है। लाइट एंड साउंड से होता है संग्रहालय। ये है पूरे संग्रहालय का मिनिएचर, बहुत अच्छे से डिजिटल तरीके से बनाया उन्होंने, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। तो ब्रिटिश इंडिया में क्या क्या हुआ था वो सबको यहाँ पे दिखाया गया है। देख रहे माल न्यूट्रिशन, वर्ल्ड इकोनॉमी, प्ले करो। यहाँ पे अलग अलग ईयर्स के डेट लिखे हुए हैं कहाँ का क्या हो। अब यहाँ पे प्ले करके देख सकते हो। ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका मैसेज था तो दिखाया गया। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। इंडिया बिकेम रिपब्लिक, जब इंडिया रिपब्लिक हुआ तब का है, सेपरेशन ऑफ पावर्स पूरा लिखा था। फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 1950 पे जब हुआ था 26 जनवरी पे वो है। और भारत के अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, बंगाली, हिंदी, पंजाबी, सब लैंग्वेजेस है। मेंटेनेंस में वॉशरूम है। लिफ्ट भी है, अगर आपको चलने की दिक्कत है आप लिफ्ट यूज़ कर सकते हैं। बट हम लोगों को दिक्कत नहीं है तो हम स्टेयर्स ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे है नेहरू जी का स्टडी रूम। इंदिरा गांधी का बेडरूम है। अच्छा, ये कुछ ज्यादा बड़ा हुआ है। नेहरू जी का छोटा था, बेड भी बड़ा है। बेड बड़ा हुआ है।
चलो ख़त्म फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पे आप जाएंगे इस नए बिल्डिंग में। यहाँ पे शाम में स्टार्ट होता है लाइट और साउंड शो। यहाँ से किसी स्कूल के बच्चे आए हैं। यहाँ पे इस तरफ है म्यूज़ियम। यही है म्यूज़ियम जो नया बनाया है उन्होंने। फ्लोट कर रहे हैं मैग्नेट के सहारे। ये ऑपोजिट पोल है इसलिए ये फ्लोट कर पा रहा है। ये 3D इफेक्ट दे रहा है ये। पे पानी पीने की जगह है लेकिन ग्लास नहीं है, हमने हाथ से पी ली। अब है वॉशरूम, तो फैसिलिटीज़ है और बहुत ही ज़्यादा क्लीन है ये अच्छी चीज़ है क्योंकि नया नया ओपनिंग है हुई है इसकी, तो ऐसे मेंटेन बने रहे तो सही है। यहाँ पे है फ्रीडम एंड यूनिटी इसका सेक्शन है। यहाँ पे अंदर से कब देखते हैं। जय जवान जय किसान। ऊपर के फ्लोर पे देखते हैं वहां पर क्या है। तो अब तक कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा, पर बहुत जोर की भूख भी लग रही है। भूख तो लगी है सुबह से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया। ये तो है, घर से निकले हुए ना ब्रेकफास्ट किया ना से दूर की बात है। कोई नहीं, घूमने निकले कभी कभी उपवास करना सही होता है। अगर अब हमारे इधर 90s के बच्चे हैं तो आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में, सबके ज़माने में पीसीओज होते थे।
हाँ टेलीफोन ऐसे नहीं थे, थोड़ा अलग था। जमाने के कंप्यूटर्स, इतने पुराने कंप्यूटर्स मैंने भी यूज़ नहीं किया। हमारे घर में बहुत पहले कंप्यूटर आ गया था 1990 में, तो इतना पुराना नहीं था, ये कुछ ज़्यादा ही है। তাও চুপচাপ হয়েছিল এটা বিনা বলে ও সিক্রেটলি কিয়া গিয়া থা जैसे दिखाएगा यहाँ पे इस तरह यहाँ बिल्डिंग भी मूव हो रही है यहाँ पर ऑन हिल पे। किंतु अरे साइन इसीलिए देखते लगे पूरा दादा लगे अरे उठा बने डे कैसा लगा पूरा ब्लॉग कमेंट करके बताइए, इस वीडियो पे लाइक करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितना हो सके कोशिश किया मैंने पूरा डिटेल तरीके से दिखाने में आपको, तो कैसा लगे ज़रूर बताइए। और इस प्लेस पे ज़रूर आइए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, बहुत अच्छी प्लेस है, वर्थ इट है जितना प्राइसिंग ले रहा है। वीकेंड के हिसाब से 100 रुपीज़। अब धूप भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी बारिश गिर रही है और यहाँ पर एक नाइट शो भी होता है, तो वो हमने देखा नहीं क्योंकि वो 8:15 को है, तो उतना टाइम है नहीं हमारे पास क्योंकि पार्टी भी है शाम को, तो उस जाना भी है, कुछ खाना भी खाया नहीं हमने। तो यही है पूरा 360 व्यू उस जगह का, तो ज़रूर बताइए कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।